नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर नगर भोगनीपुर कोतवाली में सत्ता पक्ष के विधायक विनोद कटियार व कानपुर देहात अकबरपुर कोतवाली में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यता दिखाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे मीडिया कर्मियों पर सत्य को न दिखाने व उन्हें अपने बेसिक कार्यों को रोकने हेतु सत्ता एवं अपने पद का दुरुपयोग कर दर्ज कराए गए मुकदमों को गंभीरता से लेते हुए गैर राजनीतिक ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मंगल सिंह आईपी ने मीडिया कर्मियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने एवं दोषी व भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं एवं अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी को पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने देश के भ्रष्ट नेताओं एवं अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, अब समाज जागा हुआ है और जागे हुए समाज में लंबे समय तक भ्रष्ट व समाज विरोधी कार्यों में लिप्त नेता और अधिकारी बच नहीं पाएंगे। उन्हें उनके द्वारा किए जा रहे व्यक्तिगत स्वार्थों वाले कार्यों की सजा मिलना निश्चित है, जिसके लिए ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग सड़क से लेकर उच्चतम न्यायालय तक ऐसे लोगों को सजा दिलाने हेतु जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के पत्रों पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं प्रशासन द्वारा अमल नहीं किया जाता तो ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग सड़कों पर उतर के साथ साथ ऑपरेशन विजय का न्यायिक प्रकोष्ठ माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय तक भ्रष्ट नेताओं एवं अधिकारियों को सजा दिलाने के लिए अपनी कार्यवाही करने में पीछे नहीं रहेगा। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों एवं जिम्मेदार नेताओं की घोर लापरवाही एवं संरक्षण में पल रहे कानपुर उत्तर प्रदेश के एक दुर्दांत अपराधी द्वारा विगत कुछ माह पूर्व 8 पुलिस कर्मियों को जो मौत के घाट उतारा था, उससे सिर्फ पुलिस विभाग के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की छवि देश एवं विश्व में खराब हुई थी, जिससे सत्ता पक्ष के नेताओं एवं जिम्मेदार पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को सबक लेने की बजाय आज जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो मीडिया है, जो सत्य पर आधारित घटनाओं को दिखाकर इस तरह के दुर्दांत अपराधियों को पैदा होने से जो बचाने का कार्य कर रही है, ऐसे मीडिया कर्मियों के ऊपर कानपुर के भोगनीपुर थाने एवं कानपुर देहात के अकबरपुर थाने में जो FIR दर्ज कराई गई है, उसको ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग ने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी एवं उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव जी को पत्र लिखकर दोषी नेताओं एवं दोषी पुलिस प्रशासनिक एवं अन्य अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ दोनों ही थानों में मीडिया के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की है। साथ ही हमने पत्र में लिखा है कि ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग जो देश व समाज से सभी सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने का कार्य कर रहा है, ऐसे गैर राजनीतिक अभियान के पत्र के ऊपर यदि सरकार एवं प्रमुख सचिव द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग देश के वास्तविक निम्न एवं मध्यम वर्गीय मीडिया की स्वतंत्रता के लिए सड़कों पर उतरने के साथ साथ हमारा ऑपरेशन विजय का न्यायिक प्रकोष्ठ माननीय उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक भी जाने में पीछे नहीं रहेगा। धन्यवाद।